ऑफलाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है, जब से कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी सर्वेंट रुख कुमार शाह की ओर से ये दावा किया गया कि एक्टर का निधन नहीं हुआ बल्कि एक्टर की किसी ने जान ली है। साफ तौर पर इस केस में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर शक की सोच जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले की ओर से यह दावा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को 2.5 साल पहले इसलिए दबा दिया गया क्योंकि यहां पर कुछ सत्ताधारियों पर गाज गिरने वाली थी। इसके साथ रिया संग आदित्य ठाकरे का रिश्ता होने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है। हालांकि आदित्य ठाकरे इस केस में खुद को बेगुनाह बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बीएमसी चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस का उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती इस वक्त काफी ज्यादा यहाँ पर नॉर्मल नजर आ रही है। हमेशा देखा गया कि जब भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सुर्खियों में आया, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हमेशा अपना रिएक्शन देती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिला कि रिया चक्रवर्ती खुद को पहले ही यहाँ पर बेगुना या फिर कहें सही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बार फिर से दावे किए जाने लगे, लेकिन रिया खामोश नजर आ रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ये केस जो सुर्खियों में लौटा है, कहीं ना कहीं रिया इस केस से पूरी तरह से बची हुई है। अब आखिरकार क्या इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि वाकई में राजनीतिक फायदे के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस को इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर इस दावे में सच्चाई है तो फिर आखिरकार किस आधार पर रूप कुमार शाह ये दावा कर रहे हैं कि एक्टर का निधन नहीं हुआ? वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सीबीआई एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही एसआईटी इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की फाइल खुलती है तो आखिरकार इस बार कौन शक के घेरे में आता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।